शेखर सिंह धामी पहुंचे भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव प्रचार के लिए। जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। ज्वालापुर विधानसभा के नांगल प्लूनी गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री रुड़की और झबरेड़ा में कई बार चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और प्रदेश व देश के किए गए विकास के बारे में जनता को अवगत करा चुके हैं। इतना ही नहीं, नांगल प्लूनी में की गई जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी जीत को लेकर निश्चित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा की जनता भारी मतों से जिताने जा रही है। जरा सुनिए। बहुत आभारी हूं मैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता का कि आज माननीय मुख्यमंत्री की जनसभा में और मुझे समर्थन देने के लिए इतना भारी सैलाब उतरा है। जितने लोग मैं देख रहा था अंदर हैं, अंदर जगह नहीं होने की वजह से कुछ लोग बाहर वापस जा रहे थे रास्ते में। और ये जनता का प्रेम है, जनता का भारतीय जनता पार्टी के बढ़ता हुआ उभरता हुआ ये समर्थन है। वहीं आपको बता दें कि निषाद पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निषाद पार्टी ने समर्थन दिया। जरा सुनिए। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक पार्टी है, घटक दल में हम लोग शामिल हैं। तो आज निषाद पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया वो एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए निषाद पार्टी काम कर रही है। प्रदेश प्रभारी जय भगवान कश्यप ने कहा कि एनडीए के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है, इसी के चलते आज उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने साथियों के साथ समर्थन दिया है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।